उज्जैन जिले के शासकीय गेहूं खरीदी केंद्र पर खरीदा गया सैकड़ों क्विंटल गेहूं अधिकारियों की लापरवाही से समय पर नहीं उठाए जाने से बारिश के चलते सड़ गया और सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। समय पर गेहूं को खरीदी केंद्र पर से उठाया नहीं गया और बारिश में भीग कर करोड़ों रुपयों का गेहूं खराब हो गया। राज्य सरकार का नुकसान हो गया। जो गेहूं सरकार ने किसानों में 1900 रुपये प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा भाव में खरीदा था, उस गेहूं को सही समय पर उठाया नहीं गया और गेहूं खराब हो गया। अब खराब गेहूं को ऑनलाइन नीलामी 120 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से की गई। इसमें राज्य सरकार को 1800 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है। खराब गेहूं के बड़े बड़े ढेरों को देखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से राज्य सरकार का उज्जैन जिले में गेहूं खरीदी के दौरान करोड़ों रुपयों का नुकसान अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, अपना जो गेहूं खरीदी केंद्र था यह क्या नाम से था और किस प्रकार से गेहूं की खरीदी की गई थी? ये 2019-20 में जो खरीदी हुई थी उपार्जन की, वो जो बरसात में भीगे हुए गेहूं खराब जो हो गए थे उसके कहीं ऑनलाइन नीलामी हुई थी, उस कारण से वो गेहूं अभी तक उठे नहीं हैं। करीब कितना कुंटल गेहूं की ऑनलाइन नीलामी हुई है और क्या भाव में किसने खरीदा है? ये 2826 क्विंटल गेहूं की नीलामी हुई थी। अभी खरीदने वाले क्या तो जानकारी नहीं है, लेकिन नीलाम हो चुके हैं। 111 रुपये क्विंटल के हिसाब से बताया था, तो जिसने खरीदी करी है नीलामी में उसने अभी लोग गेहूँ उठाए नहीं है। ये कितने केंद्रों से ये खरीदी पूर्ण हो चुकी है और किन कौन सी कंपनी ने खरीदा है? ये कंपनी की जानकारी तो नहीं है, पर ये तो पूरे जिला स्तर पर खरीदी हुई है। 100 पूरे जिले स्तर पर। अच्छा, जहाँ जहाँ भी उपार्जन में 119 क्या भाव में बिका है? लिया है 111 रुपये क्विंटल के भाव में नीलाम हुआ था। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।